Hello and welcome to our channel Ultimate Sports Review. We are back, guys. It's been a long time that we didn't put out a video. Unfortunately, we were facing the COVID situation in our house, and fortunately, we are all safe now. So yes, we are back with the video, and in this video, we are covering the history of Babola, and my brother Viren will guide you through it. बाबोला की स्टोरी शुरू होती है 1875 से, जब पीए बाबोला ने नेचुरल गर्ड्स इन्वेंट की थी। इन गर्ड्स को बैडमिंटन और लॉन टेनिस के लिए यूज़ किया गया था। 1925 में अपने फादर से कंपनी टेक ओवर करके एल्बर्ट बाबोला ने बाबोला वीएस स्ट्रिंग्स बनाई, जो ज़्यादा टेंशन हैंडल कर सकती थी। वीएस स्ट्रिंग्स एक ऐसा बेंचमार्क बना जो आज भी कंसिडर किया जाता है। 1950s में बाबोला ने अपना रिटेल बिजनेस बढ़ाया और बिकेम एन इंटरनेशनल ब्रांड। 1955 में बाबोला की पहली सिंथेटिक स्ट्रिंग लॉन्च हुई। 1960s ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रेंज ऑफ एक्सेसरीज जैसे लेदर और सिंथेटिक ग्रिप्स और उसके साथ बाबोल कोटिंग जो स्ट्रिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी। 1980s में ब्रांड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रिंगिंग मशीन लॉन्च हुई और उसके साथ इलेक्ट्रो क्रॉस, एक एक्सेसरी जो स्ट्रिंग्स की लाइफ एक्सटेंड करने में मदद करती थी। इसी टाइम में ब्योर्न बॉर्ग, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टेनिस लेजेंड्स है, उन्होंने 11 ग्रैंड स्लैम जीते बाबोला वीएस स्ट्रिंग्स यूज करके। 1992 में मल्टी फिलामेंट स्ट्रिंग्स लॉन्च की गई, जो प्लेयर्स की फेवरेट बन गई। और 1994 में कंपनी की सबसे पहली टेनिस रैकेट लॉन्च हुई, जो थी प्योर ड्राइव। प्योर ड्राइव इवन टुडे इज द हाईएस्ट सेलिंग रैकेट ऑफ द वर्ल्ड, और उसी का 2021 एडिशन का रिव्यू मेरे भाई रुतेश ने किया है, जिसका वीडियो लिंक आपको यहाँ ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्योर ड्राइव के सक्सेस के बाद 1995 में बाबोला ने अपनी पहली बैडमिंटन रैकेट लॉन्च की। 1998 में कार्लोस मोया बने सबसे पहले प्लेयर जिन्होंने बाबोला की रैकेट के साथ ग्रैंड स्लैम जीता। 2001 में बाबोला ने अपने सबसे पहले टेनिस बॉल लॉन्च किए। 2003 में बाबोला ने एक और फेमस फ्रेंच ब्रांड जो है मिशेलिन, उसके साथ टाई अप किया। मिशेलिन के टायर की क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, और उसी रबर क्वालिटी को और टेक्नोलॉजी को बाबोला ने इंटीग्रेट करके अपने नए अमेजिंग शूज लॉन्च किए। इसी टाइम पे एंडी रॉडिक ने 2003 यूएस ओपन जीता और एटीपी वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग मेंटेन की, और तब वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने वर्ल्ड फास्टेस्ट सर्विस के, जो थी 249 किलोमीटर्स पर आवर्स की। इसी के साथ वुमेन्स में किम कैस्टर्स ने वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग मेंटेन करी सिंगल्स में और डबल्स में, और जीते 6 ग्रैंड स्लैम बाबोला की रैकेट के साथ। प्योर ड्राइव की, एंडी रॉडिक और किम कैस्टर्स की लेगेसी आज फैबियो फोग्निनी और सोफिया केनिन, जिन्होंने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, कैरी ऑन कर रहे हैं। 2003 में ही अपने टेनिस रैकेट में बाबोला ने नवी सीरीज लॉन्च की प्योर एरो, जो स्पिन पे फोकस थी और नडाल की गो टू रैकेट और टेक्नोलॉजी बन गई। राफेल नडाल ने प्योर एरो सीरीज को यूज़ करते ही अपने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। 2010 में आरपीएम ब्लास्ट स्ट्रिंग्स लॉन्च हुई, जिसके साथ बाबोला ने अपना नाम टॉप पे मेंटेन किया। 2012 में बाबोला प्लेट टेक्नोलॉजी आई, जो रैकेट और रिस्टबैंड के थ्रू प्लेयर्स को बहुत सारी डिटेल्स जैसे बॉल साउथ स्पीड, स्पीड ऑफ द शॉट और इम्पैक्ट लोकेटर, इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्लेयर्स अपनी टेक्निकल गेम इम्प्रूव कर पाए। 2014 में प्योर रेंज में बाबोला ने एक और रैकेट ऐड करी प्योर स्ट्राइक, और ये रैकेट को यूज़ किया था डोमिनिक थीम ने, जो 2020 यूएस ओपन के विनर है। बाबोला का फोकस दूसरे स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन और पैडल में भी है। कैरोलिना मरिन, जो बैडमिंटन में फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन है एंड होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर कीपिंग द वर्ल्ड नंबर वन टाइटल फॉर 66 वीक यूजिंग द बाबोला रैकेट। युहान लेब्रॉन, जो पैडल में फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन है और करंटली वर्ल्ड नंबर टू है, ऑल्सो यूजेस द बाबोला रैकेट। तो फ्रेंड्स, ये था बाबोला की हिस्ट्री का एक शॉर्ट बैकग्राउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और कौन सी ब्रांड्स का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। थैंक यू।